जब ये आए थे हमारे पास, ये पिक्चर बहुत साल पहले बनने वाली थी जब सरबजीत सिंह जी जीवित थे, लेकिन बनाने का ये मुद्दा था तब कि जब अगर बन जाती तो सरबजीत रिहा हो पाते, लेकिन उसके दौरान ही ये हादसा हुआ और वो नहीं आ पाए वापस। तब इन्होंने अब ये बनाने का हमारा रीजन ये है कि ऐसा आगे ना हो, ऐसे आगे और कोई सरबजीत शहीद ना हो। हमने इसलिए ये मुद्दा उठाया है और ये पिक्चर इसलिए ही बनी है कि आगे क्या होगा, और जो हुआ वो नहीं होना चाहिए। सच्चाई आपके सामने हम रखना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि ये पिक्चर में के दौरान जो भूल हुई वो नहीं होनी चाहिए थी। दलबीर कौर, यह है पूनम, सुखप्रीत और सरबजीत की छोटी बेटी
स्वपन यहाँ नहीं है हमारे साथ, और ये हैं सुखप्रीत जी जिन्होंने ये पूरी जो आपकी अपनी लाइफ जो हमारे पास दे दी है और हमें मुझ पर भरोसा किया कि ये पिक्चर बनाएं और दिखाएं लोगों को कि एक्चुअली क्या हुआ है। दलवीर कौर, कुछ तो शब्द आपके बोल सके तो। जैसा कि हम सबको ज्ञात है कि 2 मई को सर्वजीत के लिए सारा देश इकट्ठा हुआ था, 26 अप्रैल को उसके ऊपर जेल के अंदर हादसा हुआ, उस पर हमला हुआ। अफसोस मुझे सारी, जब तक मैं जीऊंगी जितने साल भी, एक अफसोस रहेगा कि इन हाथों से मैंने अपने बेटे को, अपने भाई को, जिसे मैंने अक्सर बेटा कहकर पुकारा, राखी बांधी थी, अपने हाथों से उसे रोटी भी खिलाई थी, प्यार किया था, उसे सलाहा था, उसके बालों में हाथ मैं फेरती थी, उसका जूड़ा भी किया करती थी, रुमाल भी डाला करती थी, और कई बार वो अगर मेरे साथ रूठकर रो भी पड़ता तो उसके आंसू भी पहुंचती थी। और इन्हीं हाथों ने, मैं समझती हूं कि हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में शायद एक अभागी बहन मैं ही होंगी जिसने अपने पुत्र समान बेटे की चिता को अग्नि दी थी। अफसोस यही रहेगा कि वो हाथ आज भी मेरे सलामत हैं। दिल में बहुत बार आया कि काश ये हाथ टूट जाते। सरबजीत से मैंने माफी मांगी थी कि मैं तुमसे क्षमा चाहती हूं सरबजीत, मैं तुम्हें छुड़ाने के लिए शायद वो प्रयास नहीं कर पाई जो मुझे करने चाहिए थे, या शायद उन सरकारों के कानून पर जूनी रहेंगी जिनके पास मैं जाकर गिड़गिड़ाती थी। बड़ी अपनी तरफ से मैं उनके पास हर बात को रखती थी कि अपना पक्ष मजबूत है, पाकिस्तान सरकार के पास उठाइए, शायद वो भी इसमें कामयाब नहीं हुए, हमें सफलता नहीं मिली, या हो सकता है कि पाकिस्तान का अपना इरादा ही ना हो कि सारा देश एक व्यक्ति के लिए खड़ा है आज हिंदुस्तान। उसे अच्छा नहीं लग रहा था आप सबकी भावनाएं, उसे वो प्यार, वो सब कुछ, उससे जलन थी या क्या था, मैं नहीं समझ पाई, वो छूट कर नहीं आया। ये 2 मई, 28 अगस्त, 26 अप्रैल, 2 मई मेरे जीवन के एक काले दिन हैं, मेरे इतिहास के लिए, मेरे दुख के लिए, मेरे दर्द के लिए। हर राखी पर मैं इंतजार करती थी, सरबजीत तुम लौटोगे, इस बार तो तुम जरूर लौटोगे और हम इसी आंगन में बैठेंगे, फिर से राखी बांधेंगे, मगर अफसोस कि वो नहीं आया। लेकिन उसके होते हुए फिल्म बनाना चाहती थी, जैसा कि उमंग जी ने बताया, शायद हर काम का अपना वक्त होता है, हर काम को करने के लिए कुछ हस्तियां परमात्मा नियुक्त करता है, शायद ये फिल्म उमंग ने ही बनानी थी। मुझे संदीप, जो मेरे छोटे भाई की तरह, उससे मुझे प्यार मिलना था। राजेश बेरी जी का मैं थैंक्स कहना चाहूंगी जिन्होंने कि अपने प्रयासों से मुझे उमंग तक लेकर आए, मैं इन तक पहुंची। उससे आगे बढ़कर मेरे लिए खुशी की बात यह हुई कि मुझे रणदीप जैसा अपना भाई मिला। रणदीप फिल्म के अंदर एक हीरो ही नहीं बल्कि मेरे लिए मेरा अपना भाई है, मुझे उसमें सरबजीत नजर आया। मैं जब भी ट्रेलर देखती हूं या कोई बात होती है, मैं रणदीप को ही ज्यादा देखती हूं, मुझे रणदीप में सच में सरबजीत नजर आता है। मैं पहले दिन जब आई थी तो इसे कोठड़ी के अंदर एक रोल दिया था, तो मुझे सच में लगा था कि मेरा शेर कोठड़ी के अंदर बैठा है। मैंने एक मैसेज भी किया था कि रणदीप तुम हजारों साल जियो, तुम्हें किसी की नजर न लगे। इसी तरह ही मुझे अपनी छोटी बहन ऐश्वर्या का प्यार मिला। जब मुझे वनीता ने फोटो भेजी तो मैंने मैसेज किया कि वनीता, मैंने बेरी भाई साहब ने भी कहा, मैंने भी उनको बोला कि ऐश को देखकर लग रहा था कि मैं हूं कि ऐश है कि मैं हूं। उसमें मुझे अपना सब कुछ दिखा और मैंने महसूस किया कि कितना मुश्किल होगा ऐश के लिए एक पंजाबी वातावरण में अपने आप को ढालना, पंजाबी बोलना, पंजाबी सभ्यता में आना, गुरुद्वारा साहब में अपने आप को शीश ढक कर जाना, सेवा करना, अरदास करनी, उस किरदार को निभाना। कहीं ना कहीं तो जरूर
भावुक हुई होंगी ऐश, क्योंकि हीरो हो, हीरोइन हो, नेता हो, कोई भी हो, हम सब एक रिश्ते के साथ जुड़े होते हैं, भाई बहन। इसी तरह ऐश भी एक बेटी है, बहन है, पत्नी है, माँ है, और उस दर्द को अच्छे से पहचानती हैं। मेरे लिए भी एक फखर की बात है कि ऐश और रणदीप जैसे, जिनके लिए मैं, इनके परिवार के लिए ऐश के जैसा कि चाहती थी, मेरी एक चाहत थी जिंदगी की, कभी मैं अमिताभ के बच्चन साहब के परिवार से मिल पाऊंगी, इनको देख पाऊंगी, उनके दरवाजे तक जा पाऊंगी, तो आज उनके साथ हमारा एक रिश्ता बना। थैंक्स कहना चाहती हूं मैं उमंग जी को, जिनकी कि इनको जो भी किरदार के लिए इन्होंने जिनको भी चुना, वे सब अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे। और दर्शन, जिनको मैं कहती हूं कि सच में आप शेख का ही एक दूसरा रूप हो, जिस तरह से शेख साहब के रोल में उन्होंने अपने आप को ढाला, तो मैं यहां आप सबको, ऋचा ने जैसा कि अपना रोल निभाया, सभी ने अपनी अपनी जगह ईमानदारी से बहुत अच्छे से इस रोल फिल्म में अपना किरदार जो है वे निभाया, कोई शक नहीं, कोई शंका नहीं। मैं सबसे बेहद प्यार करती हूं और मुझे लगता है कि इस फिल्म के जरिए उमंग, संदीप, रणदीप, ऐश्वर्या, दर्शन, ऋचा, इन सबसे मेरा एक जैसे रिश्ता हो गया हो, नाता हो गया हो। मेरा दिल चाहेगा कि जब कोई दिन त्योहार आए तो मैं इन सबसे मैसेज करूं, इनको विश करूं, इनको, इनसे प्यार दूं, इनसे प्यार लूं, एक मुझे लगता है रिश्ता बना। रणदीप से आज मैं जरूर कहना चाहूंगी कि रणदीप, मैंने सच में आपके अंदर सरबजीत को देखा है, और एक मेरी चाहत है जो कहना चाहती हूँ, इनसे वादा भी लेना चाहूंगी कि जब मेरी मौत हो तो आप जरूर आइएगा और मुझे कंधा दीजिएगा, मेरी आत्मा को शांति मिलेगी कि मुझे सरबजीत ने कंधा दिया। बस इतनी बात मैं इनसे जरूर कहना चाहूंगी। और आपसे मैं इल्तजा ये करना चाहूंगी, इस फिल्म को इसलिए देखिएगा, ये एक दर्द है, ये एक प्यार है, एक इंतजार है, एक तड़प है रिहाई के। इसके अंदर सिर्फ एक रोना ही नहीं, इसमें परिवार की खुशी भी है, इसमें वो सब कुछ दिखाया है जो मैंने उमंग को बताया। इन्होंने इस तरीके से, अच्छे तरीके से दिखाया है कि एक बाप के होते हुए भी जब बेटी की डोली उठती है तो क्या दर्द और दुख होता है, क्या महसूस होता है। एक बहन, एक पत्नी, एक बेटियां, इनका इंतजार है। एक उस बूढ़े बाप का जो कि रोज सलाम करके सोते थे कि साहब जल्दी आना, मैं तुमको मिलकर जाना चाहता हूं, पर शायद सबकी उनकी बदकिस्मती थी, ऐसा हो नहीं पाया। तो इसलिए मैं आपसे कहूंगी कि इसको इसलिए देखिएगा कि दोनों मुल्कों के अंदर जो नफरत और उसकी शिकार कौन हो रहे हैं, वो निर्दोष व्यक्ति, बेशक मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हैं, बेशक वो भारतीय हैं, लेकिन जब दोनों मुल्कों के अंदर उन लोगों को पकड़ा जाता है तो उनकी जाति, धर्म, उनकी नागरिकता पूछकर जो सजा नियुक्त की जाती है, जो उन पर अत्याचार होते हैं कि तुम पाकिस्तानी हो इसलिए तुम्हारे साथ हम अत्याचार करेंगे, तुम हिंदुस्तानी हो इसलिए तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं, तुम जिंदा जा नहीं सकते, तुम्हारी हड्डियां भी नहीं जानी चाहिए। इसलिए इस फिल्म को देखकर इतनी आवाज बुलंद कर देना, इतनी आवाज बुलंद करना, ये इसमें कोई खामियां मत निकालना, सिर्फ प्यार, दर्द और तड़प को देखना, रिश्ते को देखना। आपके सहयोग से और जितना भी आप देखेंगे, जो आज के जमाने में बहन और भाई के रिश्ते में जो दरार आ रही है, वो भी मैं समझती हूं कि पूरी होगी, भर जाएंगी। बहन और भाई का प्यार अनमोल होता है, लाखों करोड़ों भी दे दें तो भाई नहीं मिलते, बहनें नहीं मिलती, अपना खून का रिश्ता नहीं मिलता। इसलिए भी देखना बहुत जरूरी है, इसमें प्यार है, दर्द है, खुशी है, सभी जज्बातों को, सभी बातों को इसमें दर्शाया गया। मैं उमंग का फिर एक बार थैंक्स कहना चाहूंगी, हमको निभाया और बनाया। और संदीप, जो कि हमेशा ही कहते थे कि दलबीर जी जब फिल्म बनेगी तो आप देखना, तो मैंने सच में देखा, बहुत अच्छी फिल्म है, आप बोर भी नहीं होंगे, आपको सब कुछ वो मिलेगा। और आप भी चाहेंगे कि इस फिल्म को देखने के बाद कि हम इतना बोलें, इतना डटकर इस बात का विरोध करें कि पाकिस्तान की जेलों में नहीं बल्कि जिस भी देश के अंदर हमारा भारतीय निर्दोष पकड़ा है, वे छूट कर वापस आए, और आपके ही सहयोग से वे छूट पाएंगे। हमारी कोशिश सिर्फ इसमें यही है कि अगर एक भी व्यक्ति छूट कर आता है
तो हमें खुशी होगी, हम इसे सफलता मानेंगे और मैं समझूंगी आज मेरा जन्म जो है वह सफल हुआ। मेरा एक सर्वजीत तो कोई वापस छूट कर आया। आपको अभी अनेकों सर्वजीतों को छुड़ाना है लेकिन आपके सहयोग से छूटना है। अभी कृपाल की मृत्यु हुई थी, उसे उसका शव लेकर हम पाकिस्तान से वापस लौटे तो मुझे अपने आप पर बड़ा दुख हो रहा था कि क्या मेरे हिस्से में यही लिखा है कि मैं अपने भाइयों के लिए ऐसा करूंगी। अभी मनीला में भी एक 19 मार्च को जेल के अंदर हिंदुस्तानी को मार दिया। आज उसकी पत्नी का मुझे फोन आया कि दीदी कल उनका शव दिल्ली आ रहा है। उसके लिए भी मैं विदेश मंत्रालय में गई थी, 19 मार्च से वहां बॉडी पड़ी थी। सच में इंसानियत हमारे समाज में नहीं बल्कि दुनिया में खत्म होती जा रही है। इसके लिए हम सबको आगे आना है। ये दर्द है, ये प्यार है। ऐश्वर्या को, रणदीप को, उमंग को, संदीप को, दर्शन को, ऋचा को, इन सबको अपना सहयोग दीजिए, प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। और मैं तो दुआई करूंगी कि आप सब दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। आप इतनी शोहरत पाएं, इतनी शोहरत पाएं कि मैं कहीं भी बैठी हूं तो मेरा सीना जो है फखर से चौड़ा हो और मैं इतनी खुशी महसूस करूं कि उमंग आगे बढ़ा है, संदीप आगे बढ़ा है, मेरी ऐश आगे बढ़ी है, मेरा रणदीप आगे चला है, मेरा दर्शन आगे गया, मेरी आज ऋचा के लिए वाह हो रही है। ये वाह आपके हाथ में है, इन्हें इतनी शोहरत और इतना प्यार दीजिए जिसकी हम उम्मीद करते हैं उससे बढ़कर। इतना ही कहती हुई मैं आपसे क्षमा चाहती। जो मेरे ख्याल से एक फिल्म में एक लाइन है कि जिसको जो होना था वो तो हो ही गया, पर परिवारों पे गुजरती रहती है। तो मेरे ख्याल से जो मैंने जो कोशिश की सरबजीत की तकलीफ को थोड़ा सहने की और सोचने की वो कैसा था और क्या बीती होगी 23 साल में जेल में, मैं वो करने के बावजूद इमेजिन नहीं कर सकता हूं कि एक्चुअली में क्या बीती होगी। इट मस्ट हैव बीन रियली टेरिबल। बट उससे भी ज्यादा मेरे ख्याल से जो आस में जी रही फैमिली होती है किसी की, जो इंतजार में होती हैं और जो बाहर रहकर भी खुश नहीं रह पाते क्योंकि उनका कोई अजीज अंदर बंद है और अच्छे हाल में नहीं है, वो पेन मेरे ख्याल से बहुत बहुत गहरा है। और मैंने दलबीर जी को बोला था कि मेरी सिर्फ एक ही कोशिश रहेगी कि आप मुझ में अपना भाई देखें, और वो फिल्म में भी मैं ऐश्वर्या को कहता हूं। और आज आई बी आई एम बीइंग वेरी ग्रेटफुल दैट्स माय बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट एंड great soul, very fiery, and I'm really glad that I have got to know her and the daughters. In fact, on a lighter note, I called Dalbir ji, or she called me, and there was some promo of mine from some other movie, and they were kind of naughty. So she said, well, bacche keh rahe hai ki papa naughty hai.
So it's a bond that we've all formed, I guess. And now look, standing here and looking at the real Sarabjit's photo, and I'm looking at him, and it's so strange that, you know, it's so strange that it's a strange equation just looking at him. So, but I'm very thankful to the whole family. It's not easy to bear your pain and to, you know, trust people with your own life. And I think I'm very thankful that they did. And I'm thankful to Umang to be so careful and sensitive with it and bring it to light. Thank you. Thank you. Ash, please. Honestly, I have no words. I can just say thank you, Dalveerji, Supreetji, Poonam, and Swapan. Thank you for allowing us into your lives and through entrusting us with having the faith in all of us to share your story with the world. And we are blessed that we have got to know you all and had the opportunity to be the vehicles to translate your story to the world, which is such an important story. It's a human story. And words obviously fail me now. Randeep, you've said it all very beautifully for all of us. But I just say, we seek your blessings, Dalveerji, and the family. And thank you for being you. Aap jo karte hain, din raat, aaj bhi. Just is a lesson for all of us on in the spirit of a human being. She's not just Sarabjit's sister. She truly is an evolved person who's doing so much for people, still keeping that incredible strength, conviction, resolution, going day in and day out. Even throughout the period that we were there, and I want to say this in front of her, when we were making the movie, of course it becomes her responsibility when a film is being made on her family and family members, as happens with the making of a film. People put forth requests to her to come and, you know, meet the unit, get to meet the unit, have their photo opportunity. So gracious, her entire countenance, where, you know, she would make that happen and yet respect a director's space, a film unit's space. That if at times there was a certain degree of creative privacy sought, it's amazing how she made all ends meet, and that is reflective of immense character. I mean, apart from the real story, even this, it's these little episodes and incidents where her gracious self is there for everybody to experience and see, and the entire family. Never once. I mean, it's their story, it's their film. Every day of us working creatively, it's their birthright. It's their story. And they have a right to be privy to everything, and yet to extend that kind of liberty and faith and grace is truly commendable. So on all levels, I just want to say a deep heartfelt thank you, and God bless you all for allowing us into your lives. And we truly hope we know you've told us already, but we truly hope we've been able to do justice, and your story does need to reach far and wide for the human story to be recognized. And that's where you all come in.
and we thank you for your enthusiasm, your encouragement and your support. Thank you. Also, I'd like to say that the biggest point that this movie makes is that, like Dalbirji was saying, that in the political, or Hindi mein siyasi hair, innocent log phas jate hain uske andar. और जो पॉलिटिकल क्लाइमेट दो देशों के बीच में चेंज होता रहा, जिससे कि सरबजीत की लाइफ में खिलवाड़ होते रहे वहां पे, जिससे उसका कोई लेना देना नहीं है, जिससे उसके परिवार का कोई लेना देना नहीं है, उसकी वजह से इन द पॉलिटिकल जो हम दोनों देशों के बीच में जो एनिमिटी है, उसकी वजह से कितने इनोसेंट लोग पिसते हैं, ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ा मैसेज है. इट्स अ मैसेज फॉर पीस एंड इट्स अ मैसेज फॉर ह्यूमैनिटी. And I hope that after watching this movie, both the governments, the whole public opinion changes, and it becomes that one of loving and friendliness, and you know, honoring each other as human beings, and not just Hindustanis and Pakistanis. It's ridiculous. And Dalbirji said it so beautifully today. I mean, every relationship needs to be respected, cherished, and you give your all to it. And she is the embodiment of that. She is. You heard her today. And I think that answers every possible question as to what, why, and underlines why we most definitely wanted her spirit to be recognized by all of you. It's an incredible energy and incredible sensitivity, incredible strength, and unbelievable conviction and perseverance to keep it going for 23 years and beyond, and even today. When she's standing here, her grace to accord to all of us, to bless us, to wish us, it speaks of an incredibly evolved soul. Here she is speaking to all of us, all of you, to recognize relationships and give everything, give to it every waking moment of this blessing called life that we all have the opportunity to experience and respect it. Thank you. Richa, just a few words, please. बहुत कुछ कहा जा चुका है, ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगी. This is the casualty of war and conflict. These people right here. और बहुत कम बार होता है. एक्टर्स की जिंदगी में ऐसा बहुत कम बार होता है जब उनको अपनी फिल्म के जरिए सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, कुछ उससे बड़ा कहने का मौका मिलता है. सो बहुत बड़ी बात होती है अपनी लाइफ को किसी और के हवाले कर देना. तो थैंक यू उमंग, थैंक यू दलबीर जी, थैंक यू. बस थैंक यू, सॉरी. मुझे जब यह स्क्रिप्ट मिली पहली बार तो मैं बहुत मुश्किल से इसे कंप्लीट कर पाया, क्योंकि बीच में जितनी बार भी मैंने ये स्टोरी पढ़ी, दलबीर जी की जो संघर्ष है या जो सरबजीत ने जो सहा जेल के अंदर, वो बार बार पढ़कर रोना आता था. बहुत मुश्किल से तो कंप्लीट कर पाया. और उसके बाद जब अवैश शेख जी और दलबीर जी का जो रिलेशनशिप था, वो पता चला कि उनकी पहली मीटिंग के बाद कैसे वो एक दूसरे के साथ जुड़े और अवैश शेख ने कैसे पाकिस्तान में रहकर उनकी हेल्प की, तो बार बार दिल भर आया था. मैं उसके बाद उमंग सर से मिला और इस फिल्म से जुड़ गया. लेकिन मैं वर्ड्स बहुत भारी हो रहे हैं, लेकिन यह कि मैं बहुत खुशकिस्मत मानता हूं अपने आप को कि मैं इस फिल्म से जुड़ा. और इस फिल्म के जरिए जो हम एक मैसेज लोगों तक पहुंचाएंगे, जो दलबीर जी ने बोला कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो यू नो पॉलिटिक्स की वजह से जो रिलेशनशिप
ठीक से नहीं चल रहे हैं, आम आदमी बीच में पिस रहे हैं, उन पर अत्याचार हो रहे हैं, अगर उनमें से कोई छूट कर एक भी इंडिया में आता है तो ये फिल्म हमारे लिए बहुत सक्सेसफुल होगी। सो मैं उमंग सर को थैंक्स कहना चाहूंगा कि मुझे इसमें उन्होंने कास्ट किया और इस फिल्म का मैं एक जर्नी बन पाया। थैंक यू। ये पिक्चर बनती नहीं अगर कुछ लोग हमारे साथ जुड़ नहीं जाते। मैं बुलाना चाहता हूं सबसे पहले तो पूजा फिल्म्स, जिन्होंने यकीन दिलाया कि ये पिक्चर बन सकती है और कॉन्फिडेंस दिया मुझे। चाहिए वो हम दे पा रहे हैं कि नहीं, ये तो फिल्म देख के ही पता चलेगा, लेकिन हमारी कोशिश तो जारी थी। कैन यू प्लीज से अ फ्यू वर्ड्स? आई आस्क जैकी टू से अ फ्यू वर्ड्स एंड देन आई विल कंटिन्यू। देन भूषण जी, दीपशिका। गुड इवनिंग। आई एम जस्ट ग्रेटफुल टू द होल टीम टू अलाउ पूजा फिल्म्स टू बी अ पार्ट ऑफ सच अ फिल्म। आई थिंक मेरे को इससे ज्यादा Everyone has said a lot, so that's all. Thank you so much. Thank you, the entire Dalbhi's family, Sarabjit's family, for allowing us to produce this film, and to Umang Kumar, Sandeep Singh, and we are very proud to be associated with this such a. Thank you. आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आज ही म्यूजिक लॉन्च हुआ है, आज ही ट्रेलर लॉन्च हुआ है। और मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे हमने फिल्म बनाया है, हमने ऐसा लग रहा है कि कुछ रिश्ते जोड़े हैं, और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया दलबीर जी। मैं यहाँ पे वाशु जी नहीं आए हैं, मैं उनको स्पेशली थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि इस फिल्म को हर लोगों ने रिजेक्ट किया, विश्वास नहीं था उनको। और रणदीप, ऐश्वर्या, रिचा, दर्शन, उमंग और मैं एक डेट लेकर बैठे हुए थे कि हमको शूट करना है, और जब हम वाशु जी के पास फाइनली पहुंचे सब जगह रिजेक्शन लेकर, तो उन्होंने हमें पैसे दिया फिल्म बनाने के लिए, और फिल्म उसके बाद भूषण जी हमें ज्वाइन किए और ये फिल्म कंप्लीट हुई है। अब 20 मई को रिलीज होगी। थैंक यू वेरी मच। वुड यू लाइक टू आस्क सम क्वेश्चंस? मुझे नहीं लगता है कि मतलब है कुछ सवाल या हम आगे बढ़ सकते हैं। अब उमंग सर, मेरा क्वेश्चन आपसे है, इस दलबीर जी एंड सरबजीत की लाइफ में एक इम्पोर्टेंट जो किरदार है वो सलमान खान का भी है, जो उनसे मिले इस जो भी हुआ इसके दौरान, तो क्या उनका जो पार्ट है वो भी फिल्म में दिखाया जाएगा या? नहीं, द फिल्म हैज लॉट ऑफ इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स to make the whole 23-year-old us, तो कोई कोई हम रख पाए और कोई कोई नहीं रख पाए, और ये मुद्दा उसमें नहीं है फिल्म में। जैकी, योर अभिषेक, सो एज अ प्रोड्यूसर व्हेन यू सी द रील एंड रियल लाइफ दलबीर टुगेदर नाउ, आर यू हैप्पी दैट यू प्रोड्यूस्ड दिस फिल्म? आई थिंक आई हैव ऑलरेडी सेड दैट आई एम रियली ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म एंड just honored to be standing on the stage with everyone. I'm just honored. Yeah. Ashwarya, did you meet Dalbir Kaur before the film? Actually, I met her on the first day of the film. I had watched her, heard her
aplenty. You have met her today. Don't you feel you have met her completely? It's the same way. I mean, you just listened to her once and you've met her. You know her. She's such a transparent, open soul. You just listen to her and you get to know her and what she's all about. You get a complete insight into her spirit, her soul, her resilience, and what she's all about. So I'd already got to share that, thanks to all of you, and how incredibly you all have documented every aspect of her interactions. I'm great. We as Indians are grateful for that, because her struggle was over a very long period. But at least there is documentation for people to get to know that, to get to hear that. We have been able to put some of it in our movie, because after all, we're making a movie. But go online and meet her more and for longer than you've had the honor of meeting her today. And you'll know who she is and what she's all about. And I'm grateful that I got to know her. And also after meeting her, it's just one hug, one jappi is everything from her. She's all love and blessings and strength. Aishwarya ji, Ritesh, ETV se, aapke samne. दलबीर जी के जज्बे के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से उन्होंने अपनी जर्नी को पूरी पोर्ट्रेट किया, पूरी लाइफ को, उस जज्बे के बारे में कहना चाहेंगे, क्या आपको लगता आप है? आकर फिल्म देखिए, आप पहचानेंगे सबका सब. आज तो आप मिल चुके हैं, काफी कुछ पहचान गए हैं, अब बाकी आप फिल्म में देखिए, आप पहचान लेंगे. उमंग जी, मेरा सवाल आपसे है कि जब भी एक फिल्म बनती है जिसमें हम पाकिस्तान की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के ऑफिशियल्स या गवर्नमेंट की तरफ से पसंद नहीं किया जाता, बैन भी हो जाती है मूवी, लेकिन ये कहानी अधूरी हो जाएगी अगर पाकिस्तान के लोग भी ना देख पाए. तो पूरी टीम से आप क्या कहना चाहेंगे, अगर ऑफिशियल्स देख रहे हैं, आप चाहते हैं कि, आप जरूर चाहते होंगे कि ये रिलीज हो, लेकिन आप फिर भी कोई मैसेज देना चाहते हैं तो प्लीज बताइए. ऑब्वियसली वी वॉन्ट देम टू सी इट, एंड इस पिक्चर में ऐसा कुछ नहीं है जो ऑब्जेक्शनेबल है, एंड हम वहां भेजेंगे और उनकी राय मांगेंगे, उनको दिखाएंगे कि प्लीज देखें ये पिक्चर. एंड ऑब्वियसली we want them to see, I mean, we want every Indian to see, we want Pakistanis, we want everyone around the world to see this, to recognize what has happened should not happen. It's not only those two countries, but yes, I want them to see it. No, I think I don't think Pakistan bashing per se in the film, but yes, the film is about the prison over there, and there were a lot of atrocities he was subjected to, and I'm not sure whether that happens over here as well. So I think the point to be taken here is that to treat somebody for other things just because of their nationality and not their crime in a wrong way, whether it happens in India or Pakistan, both is wrong. But since the film is based in a Pakistani prison, that is the only difference. I think there is no, as per se, that we are bashing a country like Pakistan. It's a situation that, you know, a normal person is stuck in the political ups and downs between two countries. Aishwarya ji, Dalbir ji ne abhi kaha ki kahin na kahin aap bhav ko hui hongi shooting ke dauran. Idhar idhar. Haan, Dalbir ji ne abhi kaha ki aap kahin na kahin bhavuk hui hongi us dauran. To aap chuki unki peeda ko ehsaas kar chuki hain, to kis tarah se vyakt karna chahengi? मैं स्क्रीन पर व्यक्त कर चुकी हूँ कहानी में, जब आप फिल्म देखोगे. और अगर मैं पर्सनली भावुक हुई हूँ, वो तो जाहिर है. आज यहाँ बैठ के उनको सुनकर भी हम सभी भावुक हुए हैं, और उनकी कहानी को महसूस करना रोज सुबह से रात तक, वो मतलब इंसान इंसान ही नहीं रहेगा अगर भावुक ना हो जाए. इनका बड़प्पन है कि वो इस मिठास के साथ ये बात कह भी रही हैं, पर भावुक होना तो जाहिर था ही. रणदीप और ऐश्वर्या दोनों से सवाल है मेरा यहाँ पर कि इतना इंटेंस कैरेक्टर है, रियलिज्म में रूटेड है, तो शूटिंग खत्म होने के बाद कहीं
वक्त लगा इससे बाहर आने से, इस कैरेक्टर से बाहर आने के लिए? क्या आप लोग शूटिंग खत्म होने के बाद भी थोड़ा डिस्टर्ब रहे? मैं कई बार हॉस्पिटल जा चुका हूं इसकी वजह से. नहीं, ऑफ कोर्स आई हैड टू टेल माई सेल्फ कि आई हैव नॉट स्पेंड 23 इयर्स ऑफ माई लाइफ इन प्रिजन. I have not gone through all that. So there was a big hangover because of the involvement and because of the involvement that was required by the film. So obviously it all lingers on. I think that has happened to me before as well. And from after Highway, I was depressed for a long time. I had to tell myself that I'm not a petty taxi driver and that's not my life and nobody loves me. So, you know, you go through all that. But coming to your point, Sardarji, yeah, I want to point out something else to you, which is very important to this India-Pakistan situation. Okay, what had happened was that every time that there was hope that he will get released or something will happen, there will be Pokhara ka bomb nuclear test. Then there will be Kargil. Then again you'll get hope that something else will happen between. Then 26/11 happened. Again you got hope, then you know India executed a prisoner here. So every time something happened between the two was happening between the two countries, and the family and Sarabjit had to bear the brunt of it. And that is what I thought I should elaborate why the political situation is responsible and the innocent people are getting the brunt of it. आप कुछ कहना चाहेंगे कि आपको इस कैरेक्टर ने कितना डिस्टर्ब किया शूटिंग खत्म होने के बाद? आपको भी वक्त लगा निकलने के लिए इससे बाहर? मैं सोच रही हूँ कैसे अलग तरीके से इसको जवाब दूँ. आप इनसे मिले हैं, दलबीर जी? अभी उन्होंने हम सब से बात की, हम सब ने महसूस किया इनकी जिंदगी. वी गॉट एक झलक या एक इनसाइट इंटू व्हाट शी इज ऑल अबाउट. और फिर फट से इन्हें देखिए, मुस्कुरा रहे हैं, झप्पी दे रहे हैं. इनकी स्पिरिट को देखिए, तो शायद ये कॉमन है हम दोनों में कि बहुत ही इंटेंस सब्जेक्ट है. काम के दौरान कंप्लीटली उस भावना में हम अपने आप को डुबाते हैं. वे कंप्लीटली इन्वेस्टेड, हम जी रहे हैं उस जिंदगी को. पर एक काबिलियत है, क्योंकि जिंदगी जी रहे हैं, लाइफ इज इन द वे. एंड आफ्टर पैक अप यू डू हैव योर रियलिटी, यू डू हैव, आई डू हैव माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आई डू हैव माई चाइल्ड दैट आई इमीडिएटली रिटर्न टू, आई डू हैव माई फैमिली, आई डू हैव माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज. एंड आई कैनॉट अफोर्ड द लग्जरी ऑफ जस्ट स्टेइंग ऑन इन वन इमोशनल स्पेस, बिकॉज we are multitasking, that's life. And that holds true for everybody sitting here in this room. Abhi to press conference ya aap jo bhi title aaj shaam ko dein, par yahan se nikalte hi hum ye nahi kahenge ki aap par kuch asar nahi hua hai ya koi impact nahi hui hai aaj ki shaam. Par yahan se uthte hi zindagi ko to embrace karna hi hai, apne apne zindagi ko jeena hai hi. So that is something that we all have the capacity to do. And and look at her, look at them, they're still living their lives, and she does so much for so many people. Iska matlab ye to nahi ki wo ek kshan bhi Sarabjit ko bhool chuki hain ya us dard ko kabhi bhool payengi. The entire family par zindagi jee rahe hain aur very strongly, very positively. And we got to see that when we were filming in Punjab, in their world, in their life. And we all have that capacity, and we need to hold on to that that human resilience. Yeah, we do. Umang ji, aapse jaanna chahunga idhar samne. It's true. I just realized what after what she said that I don't have a life, man. I swear to God, that's a realization that's just sprung upon me. उमंग जी, क्या इस कहानी को दिखाने के लिए आपने कहीं पर कल्पना का भी सहारा लिया है? क्रिएटिविटी फ्रीडम जो बोल रहे, नहीं ऐसा कुछ नहीं था.
एग्जैक्टली जैसे 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 इन्होंने कहानी बताई है वैसे वैसे मैंने बड़े पर्दे पर दिखाई है। हाँ, ये होता है कि दो इंसिडेंट को ज्वाइन करने के लिए एक थ्रेड बुना जाता है, तो वो थ्रेड आप क्रिएटिवली ले सकते हैं। जैसे कि गाने, रियल लाइफ में गाने नहीं होते लेकिन हमारे पिक्चर में हैं, बिकॉज हम इंडियंस हैं, हम गाते हैं, पंजाबी गाते हैं, तो मैंने वो डाल दिया था लाइक सेलिब्रेशन सॉन्ग। ओके, पंजाबी लोग करते हैं गिद्दा, भांगड़ा करते हैं, तो मैंने वो भी डाला है, तो वो एक क्रिएटिव लाइसेंस को एक्सप्लॉइट करते हैं हम। पर अदरवाइज इट्स ट्रू टू व्हाट शी हैड सेड एंड दैट्स एग्जैक्टली, इट्स लाइक अ बायोपिक। दलबीर जी नमस्ते। दलबीर जी हमारे कुछ इधर आपके दाएं दिख रहा ना, आप थक तो नहीं गए ना इतनी देर से? मेरे कुछ सहयोगियों का कहना था कि जैसे फिल्म रिलीज हो जाती है उसके 3 दिन बीत जाते हैं, तो उससे जो धनराशि जो इकट्ठी होगी, क्या उसको कोई ऐसा ट्रस्ट बना के या किसी तरह से जो लोग कई लोगों के आर्थिक सहायता की जा सकती है, जिन सैनिकों की, जिन जो लोग प्रिजनर्स हैं, जो उनके उनके परिवारों की सहायता की जाए, ऐसा कुछ विचार है आपके मन में? ये विचार मैं अपना पहले भी रख चुकी हूँ और उमंग से भी मैंने सहयोग मांगा था और मैंने इनको बोला कि हम इस तरह की एक संस्था बनाएंगे। और मेरे दिल की इच्छा यही है कि उन कैदियों के लिए जिनके सरकारों ने कभी बात नहीं उठाई है, उनके परिवारों को लेकर उनकी लड़ाई लड़ी जाए, वे ऐसा ना हो कि आर्थिक तंगी की वजह से, जैसे मैंने भी आर्थिक तंगी का सामना किया था। एक बार नवरात्रे थे और हम दोनों, मैंने और पूनम ने व्रत रखा था, हमने एक थाली ली थी खाने की और 2 दिन उसमें हमने बिताए थे। तो इस तरह की परेशानियां उन परिवारों में भी होंगी, मैं महसूस करती हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि उन सब लोगों के साथ में लड़ूं, उनके साथ उनकी मदद करूं, और मेरा दिल की इच्छा यही है कि उनके जितनी भी मदद हो सके हमारी उस एनजीओ के जरिए हम करें, उनकी रिहाई के लिए कोशिश करें, उनके परिवारों के पालन पोषण के लिए उनका थोड़ा बहुत जो हम कर सकते हैं इंसानियत के नाते हम करें। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इसमें ऐश्वर्या, रणदीप और उमंग, हमारे बेरी भाई साहब, आप सभी इसमें जरूर सहयोग देंगे और हम एक अच्छे से एक संस्था को लेकर आगे चलेंगे। काम बहुत करती हैं सरकारें लेकिन जो करने वाले होते हैं वो छूट जाते हैं, उनसे उनके दिमाग में ही नहीं आता। तो इस तरह की एक लहर हम लोग चलाना चाहते हैं, इसे एक बहुत बड़ा रूप देना चाहती हूँ मैं, उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ, उनके लिए भी जीना चाहती हूँ, जिनको मैं अपना भाई मानती हूँ। हर हिंदुस्तानी मेरा अपना परिवार है और हर हिंदुस्तानी मेरा भाई और बहन है, उनके लिए मैं लड़ना चाहती हूँ और जरूर बनाएंगे। और विश्वास करती हूँ कि आप सबके सामने आज उमंग भी ये वादा करेंगे कि इसमें ये मेरा पूरा साथ देंगे और हमारी ऐश, हमारे रणदीप ये भी पूरा हमें सहयोग देंगे, क्योंकि एक पुण्य का काम है। और मैं समझती हूँ कि कैदियों को छुड़ाकर लाना पाकिस्तान से एक गौ की जान को बचाने के बराबर है। मिसेस बच्चन, वुड यू लाइक टू से समथिंग ऑन दिस, ऑन द सेम अबाउट? सुमित, आपने जो सवाल पूछा था उसका दलबीर जी ने जवाब दिया, उसके बाद हम सब ने कहा कि हम साथ देंगे, तो अब अगले सवाल पे आते हैं। मिसेस बच्चन, यू हैव बीन यूज्ड टू सीइंग योरसेल्फ इन द मिरर, हाउ वाज इट प्लेइंग सीइंग योरसेल्फ एज अ 60 ईयर ओल्ड वुमन इन अ मिरर? हाउ वाज द ट्रांसफॉर्मेशन? हाउ डिड यू फेल्ट अबाउट सीइंग योरसेल्फ? Professionals doing a job. I don't think this is, I mean, after so many years in the industry, you get asked if it's a frivolous job about vanity. No, it's not. No, this question isn't even, with due respect, very, very sweet of you to attempt to ask this question, but it's not relevant. We are actors. Getting into character is Saraswati for us. And that's what we do every waking day at our... when we go to work. I was very sad. I was very sad looking at her like that. It was like, no, it can't happen. But she did it and she looks evidently good even then. He's got a sense of humor. I mean, for everything he's got little one-liners coming your way. So I think it's giving us reason to smile today. And simply because you'll ask, I don't know...
why and how, with due respect, you'll expect to be asking financial details of a film and you think someone's going to sit and spell it out here on a stage and what will happen with what you earn from the film and all of that. I don't think you can expect producers and a team to be sitting and answering those questions. But the heart is in the right place. Whatever little bit fees even we have received, I've redirected it completely into the foundation. I have a foundation by my name. So that's what has been the interest and that's what we have expressed from the beginning. Because the soul and the spirit or with reason with which we're doing this film is very, very obvious and does not need to be actually broken down and spelled out. But if you insist on asking, then I guess everybody comes up and starts answering questions like these. We'll be looking forward to your contribution, bro. I would like to add here one thing on this platform that Sumit, Ms. Aishwarya Rai Bachchan has not taken any fees for this film and she has put whatever we had given her as an actress, she has put her money into her NGO and her foundation. Even Randeep has taken less money, even the DOP. So this, ye maine pehle hi sabse pehle kaha ki humne ye film nahi, humne kuch rishte jode hain. Aur Dalbir ji ne ek rupya nahi liya ye film ke liye, hume rights dete waqt. To ye baate jo aapne pucha, iske liye ye bhi jawab hai ki intention sirf is film ke zariye kuch paana tha aur wo ek message dena wo humne kiya. Thank you, Sumit. Ab mat puchna bhai kuch bhi. Done. Rajesh Berry ji, please apply. And Vanita, please come up. Please come up. We'll be right back.